गुड मॉर्निंग। मुझे ना कई बार ये मैसेज आया है कि बर्थडे पर जो ये चारों तरफ पट्टी बनाते हैं ना, वो सिखाओ आप। तो ये ऑर्गेंजा का दुपट्टा है, तो मैंने ना पहले स्केल से इस पर निशान लगा लिए, ऐसे पट्टी के निशान लगा लिए हैं ताकि लाइन जो है सीधी सीधी आए। ठीक है, तो अब ये मैं बड़े ब्रश से ऑर्गेंजा के दुपट्टे पर ये निशान, बिल्कुल ऑर्गेंजा का दुपट्टा है ना, तो बहुत कम दिख रहे हैं ये निशान। ये देखो ऐसे धीरे धीरे जो है ना, अपने इसको धीरे धीरे सीधे सीधे लाएंगे। जहां तक कलर चले ठीक है, नहीं तो फिर उसको दोबारा रख के और फिर लाइन सीधी 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 लानी है, इतना ध्यान रखना है। मैंने तो ये लाइन लगाई जरूर है पर मुझे दिख बिल्कुल नहीं रही है, आइडिया से ही मैं कर रही हूँ। और जहाँ पर ये जोड़ है ना, वो जोड़ दिखना नहीं चाहिए, तो इस पर मैंने रिवर्स चला दिया एक बार, थोड़ा पोलाइट पोलाइट से धीरे धीरे इसको सीधे सीधे लेके जाना है। जैसे ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, इस पर थोड़ा आसानी से लग जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट रहता है ना, ये लूज नहीं होता। और अगर मोटा दुपट्टा हो, जैसे कि कॉटन का दुपट्टा होता है, उसको फिर आप गद्दा होता है ना, गद्दा पेंटिंग वाला, ब्लॉक वाला, या खेस वगैरह कोई पुराना, उस पर पिनअप करके आप उस पर कर सकते हैं। अब ये तो पतला दुपट्टा है ना जैसे, तो पतले दुपट्टे पर अगर अपने पिनअप करके करते हैं तो सारा कलर ही नीचे निकल जाता है, ठीक है ना। और ये मतलब कलर भी थोड़ा पतला ही लगता है इस पे, ज़्यादा मतलब मोटा कलर नहीं। ठीक है, अब ये इक्वल लाइन आएगी, बस धीरे धीरे आपने आगे की तरफ बढ़ते रहना है। और इसको जैसे उल्टा कर लो फिर ब्रश को। ये देखो फ्रेंड्स, ये सारा जो है लाइन बन गई है आपके सामने, कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर मोर पंख बनाऊंगी मैं, आप ट्राई करके देखना। अगर आपसे इस पे अड्डे पे थोड़ा मुश्किल है बनाना, जो जिस पे मैं बना रही हूँ, थोड़ी लाइनें टेढ़ी हो जाती हैं, आप गद्दे पर या खेस पर पिनअप करके लाइनें लगा के फिर बनाना।